सीन ये है कि रात के 11:30 हो रहे हैं और मुझे अभी डिस्पैच आई है, लोड आया कल के लिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू अदर ट्रकिंग व्लॉग। तो आज मंडे है और रात के आलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। तो ट्रिप के लिए हम कल सुबह भी निकल सकते थे, लेकिन अभी निकलने का फ़ायदा ये होगा कि हमें कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो मेरे घर के पास ना हाईवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, 401 के ऊपर। अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा यार्ड पहुँचने में और सुबह हमें 2.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि रात में निकलते हैं, सो यार्ड में जाके मैं स्लीप करूँगा अपने ट्रक में और सुबह मॉर्निंग में मेरा ट्रेलर आ जाएगा अर्ली 7-8 बजे। तो 7-8 बजे हम इंशाल्लाह यार्ड से निकलेंगे। इस कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था, तो रात में भी चल रही है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिन रात चलती रहती है, इनका कोई टाइम नहीं है। 3-4 किलोमीटर तक की कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे मैं रुका हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही थी तो मैंने सोचा है कि चहल कदमी करते हैं। जब भी ड्राइव करते हैं आपको नींद आए तो आपको कभी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, रुक जाना चाहिए। नींद आते 1 सेकंड लगता है, लिटरली 1 सेकंड। तो मेरी तो फील्ड ही ट्रैकिंग है, हर टाइम मैं ड्राइव करता रहता हूँ। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, तो इस वजह से मैंने कभी ऐसे रिस्क नहीं लिया। जब भी मुझे कभी नींद आती है, वैसे तो मैं यूज़ टू, मतलब मैं दिन में ड्राइव करता हूँ, रात में बहुत कम करता हूँ, लेकिन अगर कभी करनी पड़ जाए तो जब भी मुझे कभी नींद आए तो मैं अपना ट्रक साइड पे हाईवे पे रोक के उतरता हूँ, पानी पीता हूँ, थोड़ी बहुत चहलकदमी करता हूँ, 5-10 मिनट की ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि सब ज़िंदगी बहुत प्यारी है। तो ये पीछे ट्रक की पार्किंग है, ये ऑन रूट है, तो यहाँ पर करते हैं ड्रोन शॉट और आपको ये ऑन रूट दिखाते हैं। इसके सामने भी ऑन रूट है, मतलब वो दूसरी साइड का है, ये इस साइड का है। तो काफ़ी मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अगर काफ़ी पी ली तो ट्रक में जाके नींद नहीं आएगी। ड्रोन अपना रेडी टू फ्लाई है, तो यहाँ पे करते हैं ड्रोन शॉट। आपको ये ऑन रूट दिखाता हूँ, उस साइड का भी दिखाता हूँ। तो बैक साइड पर ट्रक की पार्किंग है, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क करके सो सकते हो। ये देख रहे हो ना, लोग स्लीप कर रहे हैं, सो वो पीछे आर वी लगे हुए हैं और ये सामने गैस स्टेशन है। ये वाला ट्रेलर हमें करना है 5125।
निकलते हैं फिर यार्ड से हम, पहले चलते हैं ट्रक स्टॉप पे, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, पास में यहाँ ट्रक स्टॉप है। सामने भी ट्रक स्टॉप है लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मुझे यहाँ पे रुक के अपनी आईडी चेक करवानी है तभी ये डोर ओपन होगा। ये रहा मेरा वॉलेट, सीट बेल्ट मैं लगा लेता हूँ क्योंकि ये बोलती बहुत है। दोनों साइड क्लियर है अपनी, एक गाड़ी वाला देखूंगा अपनी गाड़ी पार करके खड़ा हो गया, ये देखो। तो मैंने ब्रेक चेक नहीं किया तो मैं ब्रेक चेक कर लेता हूँ पहले, हम इमरजेंसी लगा के। ये होती है स्पाइस ब्रेक, इससे पता चलता है कि ट्रेलर की ब्रेक्स बिल्कुल ठीक है। एक दो फिर करेंगे, ओके हो गया। ये सिटी ऑन, ये हाईवे ऑन, सिग्नल वगैरह बाकी लाइट्स मैंने चेक कर ली थी। तो यहाँ पे हम पार करके सोए थे इस जगह पे एग्जैक्टली। यहाँ पे दो ट्रक स्टॉप हैं बल्कि तीन, एक वो पीछे गुजर गया, अगर यहाँ से बर्तानिया से मैं राइड लेके सीधा निकल जाऊँ तो एक दो मिनट तक आगे फ्लाइंग आ जाएगा, और इसके बैक साइड पे मतलब यहाँ सीधा जाऊँगा टर्न आगे करूँगा राइड तो साथ ही ट्रक स्टॉप है बीवीडी का, पेट्रो कैनेडा जिसको बोलते हैं। ये वाला भी मिरर एडजस्ट नहीं है, अब हो गया। बेंटली चेक करो, चौदह अगस्त पर लगा पानी है। सो बस यहाँ से हमें करना है टर्न राइट, यहाँ करेंगे फुल स्टॉप। चलो भाई, खेल करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरे पास लोड है उसका इतना वेट नहीं है, तो हम वहाँ से करेंगे एंटर क्योंकि हमें स्केल नहीं करवानी। आज ट्रक स्टॉप बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कर लेते हैं पार्क, अपने को जगह मिल गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 हो रहे हैं और अपना ट्रेलर 9 बजे आ गया था यार्ड में, तो मैंने सोचा है कि स्लीप पूरी करके यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आज मुझे 9-10 घंटे ड्राइव करनी है। ये छोटा ही ट्रिप है, इस बार मैं जा रहा हूँ मजूरी सैंड लुइस और मुझे 3 करनी है डिलीवरीज, तो यहाँ से अब निकलते हैं और अपना ट्रिप करते हैं स्टार्ट। काफ़ी की क्रेविंग हो रही है मुझे, तो यहाँ से निकलते हैं GTA से, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक हो जाना है, रस्ते में कहीं ऑन रूट पर रुके वहाँ से पकड़ लेंगे कॉफ़ी। हाँ जी, तो हम रुके हैं इस स्टॉप पर, इस ऑन रूट पर, तो हम कैम्ब्रिज आलमोस्ट पहुंच चुके हैं। कल रात को जो मैंने स्टॉप किया था ना जब मुझे नींद आ रही थी, तो वो भी यही ऑन रूट था लेकिन वो उसकी दूसरी साइड थी, सो आपको रोड के उस पार नज़र आ रही होगी, तो आपने ड्रोन शॉट भी देखे होंगे। तो यहाँ से पकड़ते हैं कॉफ़ी, ऐसा जी होता है ऑन रूट। बिजी देख रहे हो कितना है, तो मेरा मोबाइल ऑर्डर था, मैंने तो बस पिक करना था।
यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे आज अपना लोड क्लियर करवाना है बॉर्डर पे, टाइम लग सकता है। वैसे तो लोड क्लियर करवाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बॉर्डर पे ना कई दफ़ा रश बहुत होता है, तो इस वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे कहीं पर भी। इस बार मैं लंदन में नहीं रुकना क्योंकि मैं रात में अपना फूड ले आया था। मैंने सोचा कि तकल्लुफ करता हूँ लंदन रुक के, तो आधा घंटा 45 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको सेव किया जाए, अगर टाइम हो तो फिर तो कोई इशू नहीं। सैंड लुइस की अपने यार्ड से कोई 14 घंटे की ड्राइव है, 13-14 घंटे की। तो अगर कनाडा आ रहे हो ना सैंड लुइस से, तो एक शिफ्ट में बंदा आ जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकता एक शिफ्ट में क्योंकि हमारे पास होती 11 घंटे की ड्राइव। लेकिन जब हम कनाडा की तरफ आ रहे होते हैं ना, कनाडा में एंटर होते हैं, तो 2 घंटे जो अपनी ड्राइव है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि कनाडा में हम 13 घंटे ड्राइव कर सकते हैं और US में 11 घंटे। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने प्लान किया ना, बॉर्डर कर लूँ क्रॉस, क्योंकि कई दफ़ा बॉर्डर पे मतलब अगर स्मूथली बॉर्डर क्रॉस हो तो 10-15 मिनट भी लगते, और अगर कोई मसला हो जाए तो 4-5 घंटे वहाँ लग जाते हैं। तो बॉर्डर कर लें क्रॉस, उसके बाद देखते हैं। प्लान तो मेरा है कि इंडियाना रुकेंगे, वो टैरा जहाँ पे मैं अक्सर जिम करता हूँ ना, प्लान फिटनेस की जिम, वहाँ रुकेंगे। तो वहाँ पे सुबह वर्कआउट करके वहाँ से कोई 2-2.5 घंटे की ड्राइव रह जाती है सैंड लुइस की, तो फिर कल हम करेंगे डिलीवरी इंशाल्लाह। ठीक है, फेर ही होंगे। ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन की वजह से है, जो दूसरा ब्रिज है ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ट्रैफिक ऑलवेज मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे मुझे आते आते 30 मिनट लग गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये टूल प्लाजा क्रॉस करके आगे पार्क करूँगा ट्रक और वॉक करके इधर जाऊँगा बॉर्डर। सो इस साइड पे कैनेडियन साइड बॉर्डर है। तो ये टूल प्लाजा है, मुझे वो सामने उस बिल्डिंग में जाना है, वो इमिग्रेशन की बिल्डिंग है। क्या बात है भाई साहब, देख रहे हो ये आपके बाइक के लिए इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ वॉक करके गुजर रहा हूँ। दिस इज कैनेडा, यू नो, लगवा ली हमने स्टैम्प। तो पीछे आप देख रहे हो कितना बिजी बॉर्डर है। ये सामने बॉर्डर है, मतलब ब्रिज के परली साइड पे बॉर्डर है। तो ये आने का रास्ता है, जो लोग US से कनाडा आ रहे हैं वो यहाँ से जाएंगे, और जो कनाडा से US जा रहे हैं वो ये सारे। ये सामने ड्यूटी फ्री शॉप है कनाडा साइड की, जो US की है वो दूसरी साइड पे है। सिरे पर रुका था मैं ब्रेक के लिए, तो खाना खाया, अब मैं चल कदमी कर रहा हूँ। तो जो कल डिलीवरी करनी है मुझे मजूरी सैंड लुइस में, उसकी अपॉइंटमेंट है, तो इस वजह से कोशिश मैं करूँगा कम ही रुकूँ। तो यहाँ से 8 घंटे की ड्राइव है, तो इस टाइम हम मिशिगन स्टेट में हैं। आज 4-5 घंटे हम करेंगे ड्राइव, बाकी कल सुबह करेंगे। तो अभी अपॉइंटमेंट कन्फर्म नहीं है क्या टाइम है अपॉइंटमेंट का, तो
तो जब मैं रुकूंगा रात में 8-9 बजे, तो तब मुझे कंपनी बताएगी क्या अपॉइंटमेंट का टाइम है कल के लिए। तो जो फर्स्ट डिलीवरी है उसकी अपॉइंटमेंट है, बाकी जो दो डिलीवरी है उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब यहाँ से निकलते हैं, आगे में दोबारा रुकना पड़ेगा फ्यूल के लिए। अपने ट्रक ट्रेलर में फ्यूल बहुत कम है, तो पहले मैंने सोचा था कि ट्रक स्टॉप पे ब्रेक करूँगा, लेकिन ना ट्रक स्टॉप पे वॉक करने का मज़ा नहीं आता, गर्मी बहुत होती है। तो रेस्ट एरिया पे ब्रेक करने का ये फ़ायदा होता है कि सुकून होता है, कम ट्रक होते हैं, तो ऐसा आप कह लो कि पार्क ही होता है, आराम से वॉक करो, कोई टेंशन नहीं। एक 184 माइल्स की ड्राइव पड़ी है, तो कल हम ये करेंगे ड्राइव, तकरीबन 3-1 घंटे की ड्राइव रह गई है। अभी रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और अपनी लॉग बुक सुबह 10:30 बजे रेडी होगी, और यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है, तो 3 घंटे लगेंगे हमें लोकेशन में पहुँचने में। तो हम लोकेशन में पहुँचेंगे तकरीबन कोई 1:30 बजे, और मजूरी में 1 घंटा पीछे रहता है, तो मतलब 12:30 बजे। कंपनी ने अपॉइंटमेंट का बोला था 12 बजे, लेकिन कंपनी ऑलवेज जो अपॉइंटमेंट है ना वो मतलब 2 घंटे पहले ही बताती है, तो अपॉइंटमेंट होगी तकरीबन कोई 2-1 बजे। तो हम इंशाल्लाह 12:30 करेंगे डिलीवरी। और जब भी मैं इस रूट पे चलता हूँ ना, हाईवे 70 पे, तो जो अपनी फर्स्ट शिफ्ट है ना वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। मतलब 45 मिनट की ड्राइव में बस पड़ी थी, मैं थोड़ा और आगे जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि ये जगह काफ़ी सेफ है। आप देख रहे हो कि मैंने कभी भी इस जगह पे अपना जो डोर है कभी लॉक नहीं किया सीट बेल्ट से। काफ़ी भाई मुझे कहते हैं कि भाई आप अपना डोर लॉक करके क्यों नहीं सोते, वो सीट बेल्ट से डोर लॉक करके सोया करें। तो ये जो जगह है यहाँ मैं काफ़ी देर से रुक रहा हूँ, और वैसे भी ये सामने जिम है, मतलब 24 आवर ये जिम है, तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। और इसके अलावा रेस्ट एरिया, ट्रक स्टॉप पर मैं बहुत कम ये चीज़ करता हूँ, और अगर किसी लोकेशन पर सोऊँ, मतलब पिकअप या डिलीवरी लोकेशन पर, तो वहाँ ऑलवेज मैं अपना ये जो डोर है लॉक करके सोता हूँ सीट बेल्ट के साथ। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो वैसे मैं पीछे भी रुक सकता था, लेकिन मैं यहाँ इस वजह से रुका हूँ क्योंकि आपको पता ही, आपके भाई को जिम का बहुत शौक है, तो वर्कआउट अपना मिस नहीं होना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, आज 14 अगस्त है और हम वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, तो वर्कआउट करना ज़रूरी है। दिया अपना प्री वर्कआउट है। आज हम ट्रेन करेंगे ट्राइसेप को। मैं जब भी ट्राइसेप का वर्कआउट करता हूँ ना, तो साथ बाइसेप का भी करता हूँ, लेकिन आज अपने पास टाइम कम है, अगर शाम में टाइम मिल गया तो बाइसेप का वर्कआउट करेंगे।
11:35 हो गए हैं, 11:35 नहीं 10:35। तो जैसे ही हम हाईवे पे चढ़ेंगे 2-3 किलोमीटर बाद 1 घंटा पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम एंटर हो जाएंगे इलिनॉय स्टेट में। मुझे ट्रेलर पर सील भी लगानी, कंपनी ने मुझे एक एक्स्ट्रा सील दी थी, जो डिलीवरी करनी है ना मुझे, उनकी रिक्वायरमेंट है कि सील लगा के आनी है, और वो सील जो उन्होंने सील दी थी, सील नंबर। तो यहाँ पे ऊपर सील मैंने रखी है, आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे ट्रेलर पर सील लगी हुई है, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए थी। सो ये वाली सील जो है ये मुझे डिलीवरी पे लगा के जाना है, तो इसको हम ज़रूर लगाएंगे। अगर ये ना लगाई तो उन्होंने रोड जो है वो चेक कर देना। जो फर्स्ट डिलीवरी है उसकी रिक्वायरमेंट है, सेकंड और थर्ड डिलीवरी की नहीं है। नेविगेशन लगा के मैं चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन पर कि रस्ते में कोई जैम तो नहीं है, कोई ट्रैफिक तो नहीं है। ये सामने हाईवे 70 है, सो यही हाईवे सीधा हमें ले जाएगा सेंट लुइस। सेंट लुइस मिजूरी स्टेट का शहर है, तो सेंट लुइस में हम अभी जा रहे हैं। एसी चला देता हूँ भाई, गर्मी बहुत है। मैं क्या कहता हूँ, मैं जो बंक वाला एसी है ना उसको फुल कर देता हूँ, आगे वाला कम ही रखता हूँ, नहीं तो ना मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अंदर फुल आपके भाई ने एसी छोड़ा होता है। नेविगेशन लगा के चेक कर लेते हैं। सो रस्ते में कोई जैम नहीं है, ऑल गुड है। ये सैंड लुइस है, हमने इधर जाना है, सैंड लुइस थोड़ा राइट साइड पे। ये जीपीएस हमें दिखा रहा है 12:30, मतलब ईटी जो दे रहा है, लेकिन हम पहुंचेंगे तकरीबन 1:45, क्योंकि 180 माइल्स की ड्राइव है और 180 माइल्स कवर करने में ट्रक पे 3 घंटे लगते हैं। ये कार के हिसाब से बता रहा है, ये 12:20 दिखा रहा है, ये भी नहीं सही दिखा रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट रुको जरा, मुझे ज़रा लाइन मर्ज कर लेने दो। अभी ये फिलहाल 60 माइल्स की स्पीड दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो 70 माइल्स की स्पीड हो जाएगी। तो ये वाला GPS 70 माइल्स के हिसाब से बताता है, लेकिन जो मेरा ट्रक है वो 65 से ऊपर जाता नहीं है, तो इस वजह से ये ज़्यादा दिखाता है, भले ही कम टाइम दिखाता है, ये भी कम टाइम दिखाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, क्योंकि 1 घंटे में हम 60 माइल्स इजीली कवर कर लेते हैं हाईवे के ऊपर। तो 180 माइल्स है तो 3 घंटे में होंगे कवर। क्रूज लगा देते हैं, तरह मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। फाइनली 12:30 बजे हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है, काफ़ी देर से बल्कि बारिश हो रही है। फर्स्ट शिपमेंट डन हो गई है, सेकंड शिपमेंट ये है, और जो तीसरी है वो ये वाली है। सो अब इसको करते हैं ड्रॉप, ये यहाँ से 5-6 माइल दूर डिलीवर होनी है। अब यहाँ से निकलते हैं सेकेंड शिपमेंट की तरफ, जो तीसरी शिपमेंट है ना वो वेयर हाउस में है, तो वहाँ टाइम लग सकता है। बारिश रुकने का आज नाम ही नहीं ले रही, और बारिश तेज़ हो गई है, लेकिन बारिश नहीं रोक सकती हमें डिलीवरीज करने से। तो लकीली आज मेरे पास आया 3 डिलीवरीज थी, नहीं तो आज बारिश में हमें डिलीवरीज करनी थी जितनी भी होती। तो एक मैंने ऑलरेडी कर दी है, अब सेकंड पे एक क्रिएट करना है ड्रॉप,
और उसके बाद जो तीसरी डिलीवरी है वो वेयर हाउस में है। तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा टाइम हमें लग सकता है, 10-12 उनके पैलेट हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने अब रियलाइज़ की है, मैंने वो कंपनी देखी जहाँ मैं डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ, उनके पास तो डॉक ही नहीं है। तो देखो अब क्या बनता है, बारिश भी हो रही है, मैंने तो भाई हेल्प नहीं करवानी, मैंने गीले नहीं होना, नहीं तो मैं हेल्प करवा देता हूँ जब भी शिपर के पास मेरे डॉग नहीं ना होती। वैसे ये मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइम सेफ हो जाता है। लेकिन जैसे आज ये बारिश हो रही है, और वैसे भी अपने पास डिलीवरीज आज कम है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आज अगर हमें लोड ना भी मिला तो कोई टेंशन नहीं, कल लोड पिक कर लेंगे। बारिश और तेज़ हो ही जा रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। वही ब्लर हो गया सारा कुछ सामने से। ये वाइपर ना मैकेनिक ने चेंज भी किए थे, पता नहीं ये आवाज क्यों करते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रक ही चेंज कर लूँ। वैसे भी ये ट्रक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, 8,30,000 किलोमीटर चल चुका है। तो कंपनी से मैं करता हूँ बात कि मुझे ना ट्रक आप कोई और दे दें, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का जो ट्रक है ना, वो मतलब मैंने वो ड्राइव किया इस कंपनी में। तो आई मिस माय ओल्ड ट्रक समटाइम। वाइट ट्रक भी ठीक है, लेकिन ब्लू जो है ना, वो रोड पे जाता पता लगता है कोई चीज़ जा रही है। वाइट तो नॉर्मल है, लाइक ब्लैक हो ना फिर तो क्या भाई साहब, और ही बात है। तो हमें यहाँ से 70 हाईवे चढ़ना है कैंसस सिटी, लेकिन हम कैंसर सिटी जा नहीं रहे, हम कैंसर सिटी वाले हाईवे पे चढ़ेंगे। 70 सीधा कैंसर सिटी जाता है ना। तो हम वाइपर थोड़े तेज़ कर देते हैं, आई नो बादर कर रहे हैं ये, लेकिन ना इसको चेक कर दे। मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा ना मैं ये लव या फ्लैंग जैसे खुद बाय करके ना ये वाइपर चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैकेनिक को मैंने बोला, वो कहता भाई हमने ऑलरेडी चेंज किए हैं। तो जब भी बारिश होती है ना तो पानी आता है तो वाइपर चलाने पड़ते हैं, उसकी वजह से ना ये बहुत बादल करते हैं। स्पेशली जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो बीच में इसका अलग ही शोर होता है, वाइब को ना डिस्टर्ब करते हैं ये। सुबह धूप निकली थी, 28 डिग्री टेम्परेचर था, फुल गर्मी थी सुबह, और अभी 22 डिग्री टेम्परेचर है। और आप वेदर भी देख सकते हो, सो 2.6 माइल्स के बाद हमने अगर निकाल लेना है तो हम इसी साइड में रहेंगे। एक लाइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये जो आगे लेना है ना ये एग्जिट में जाएगी। ये तो रेजिडेंट एरिया आ गया, सच में रेजिडेंट एरिया आ गया। यहाँ पे डिलीवरी है, ये क्या सीन है, हम सही लोकेशन पे हैं ना, मैं एक दफ़ा देख लूँ। डॉक तो वैसे है जहाँ पे कंपनी है ना, मतलब उसके साथ में एक डॉक है, आई थिंक ये है पीछे रह गई है। यहाँ से तो रास्ता नहीं है डॉक का, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये कार वाला लगाते हैं, मैप गलत हो गया था हमसे। पीछे से वैसे रास्ता था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे सिग्नल एमरजेंसी का, हम यहाँ से रिवर्स करेंगे क्योंकि ये आगे रेजिडेंट एरिया, तो इसमें मैं नहीं घुसना चाहता भाई साहब, टिकट लग जाती है। बातों बातों में ना हम आगे निकल आए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। LTL ट्रकिंग ऐसे नहीं होती, नज़र नहीं आया। अब जहाँ से हमने टर्न करना था ना, वो चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। मैं तो वही चक्कर में जाता रहा कि रास्ता है आगे, ये कंपनी है राइट साइड पे, लेकिन इसकी एंट्रेंस कहाँ से है, आई एम कंफ्यूज। ओ भाई यार, ये देखो अब लोगों के काम, यहाँ
कहाँ से रास्ता नहीं है, I'm confused, मतलब कि क्या सीन है? ये कंपनी है ठीक है, तो इसका रास्ता किधर से है? मुझे लगता है हमने वो स्टॉक साइन से उधर होना था, लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम राइट पे करते हैं अपना पार्क। वो सामने स्ट्रीट थी, मतलब वहाँ से रास्ता नहीं है, तो मैं वहाँ स्टॉक हो गया था, वहाँ से मैं मतलब यू टर्न करके सो इस साइड से आया हूँ। तो यहाँ करनी है हमें बैकिंग, स्ट्रीट आप देख रहे हो ना डाउन हिल है, और यहाँ पे जगह बहुत कम है, यहाँ कार भी पार्क है, तो यहाँ पे करते हैं बैकिंग। तो आगे हमारे पास स्पेस है, सो हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरे टायर हैं ना, इनको मैं आगे करता हूँ, ताकि जब मैं एल कर रहा हूँ तो आराम से मैं मतलब एक ही जगह पे खड़ा होकर घुमा लूँगा। जितने टायर आगे हो ना, तो आप उसी जगह पे अपना ट्रेलर पूरा घुमा लेते हो। सो करते हैं यहाँ पे बैकिंग। बैकिंग हमने इजीली कर दी है, सो जो मेरे टायर ना वो स्पिन हो रहे थे, क्योंकि एक तो रोड डाउन हिल है और दूसरा ये कि रोड गीली है, तो फिर मैंने क्या किया कि जो टायर है ना ट्रक के, इसको किया लॉक। तो हमारे ट्रक के अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर आपके टायर की स्टक हो जाए तो आप इनको लॉक कर सकते हो, लॉक करके आराम से बैकिंग कर ली है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी घबराना नहीं है, आप हर चीज़ कर सकते हो। अब आगे आप जगह देख रहे हो ना, मतलब आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ, चेक करो आप, ये स्ट्रीट है डाउन हिल है, तो यहाँ पे इस जगह मेरे टायर स्पिन हो रहे थे, लेकिन आपके भाई ने कहा कि यहाँ बैक करके बताएंगे हम, सो बैकिंग अपनी होगी गुड। अब यहाँ से जब मैं निकालूंगा, तो पहले मैं अपना जो ट्रक है ना उसको ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पे, सो यहाँ से आके वाइट टर्न करेंगे, क्योंकि इस साइड पे ये ट्री है, इसको नहीं मुझे उठाना। एक इनका क्रेट था, ये आप देख सकते हो इस साइड से भी, इस साइड पर कार भी पार्क थी ना। बड़े आराम से तसल्ली के साथ आपके भाई ने बैकिंग की है। तो जब भी बैकिंग करनी हो ना, आराम से करनी चाहिए, घबरानी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए, उतर के देख लो। मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने पहले सारा देख लिया था, कहाँ से एंगल बनाना है, कहाँ से एंगल तोड़ना है, सारा कुछ हमने पहले ही देख लिया था। यहाँ पे अब अनलोडिंग हो रही है अपनी, हाँ जी बॉयज़, तो अपनी तीनों डिलीवरीज डन हो गई हैं। कंपनी को मैंने कॉल किया, तो कंपनी बोल रही कि अभी अपने पास कोई लोड नहीं है, कोई पास में ट्रक स्टॉप है तो वहाँ चले जाओ। तो यहाँ पास में ही ना वो बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे ट्रक स्टॉप है फ्लाइंग जगह, तो अब वहाँ जा रहे हैं।
दोपहर के 3 बज चुके हैं, मुश्किल है कि अभी लोड मिलेगा, मे भी अगर हुआ तो कल के लिए होगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं ट्रक स्टॉप पे। ये जो सामने बिल्डिंग है ना, इसके बैक साइड पे फ्लैंक का ट्रक स्टॉप है। इस डिलीवरी पे तकरीबन हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ पे 12 पैलेट्स करने थे हमें ड्रॉप, 12 स्केट थी। यहाँ से बड़े आराम से गुजारेंगे, बड़ा गंदा जंप लगता है अगर स्पीड से गुजारो ना। ये इन्होंने जान के बनाए होते हैं ताकि जो ट्रकर्स है ना वो आराम से यहाँ से गुजरे, नहीं तो ट्रकर्स ने ना यहाँ पे हाईवे बनाया होगा अगर ये ना लगाओ तो। आज गाइस 14 अगस्त है, फिर मना रहे हो पाकिस्तान में 14 अगस्त अकेले अकेले। आज मुझे पाकिस्तान की याद आ रही है। कल जब लोड आएगा ना तो लोड से पहले दोबारा यहाँ से फ्यूल भर लेंगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी फिल अप कर लेंगे, ऑलमोस्ट 1/4 फिल हो सकता है। ट्रक चेक करो आप, फोर्ड का एक होता है ना 150, ये मेरे ख्याल से 350 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार क्या जबरदस्त ट्रक है ये, पीछे भाई ने अपने आर्मी लगाई हुई है, घूम फिर रहा है भाई। यहाँ पास में ही पार करते हैं क्योंकि फिर अगर हमें शावर के लिए अंदर जाना है तो दूर से ना जाना पड़े। ये सारी पेड पार्किंग है तो हम फ्री वाली पार्किंग में ट्रक अपना करेंगे पार्क। फ्री वाली सारी पार्किंग लोगों ने ली हुई है भाई साहब, ये फ्री पार्किंग है दोनों। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, सीट बेल्ट उतार के बैकिंग करनी चाहिए, आराम फोरे ऑन कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्रेट बैक, ये काफ़ी इजी बैक होती है अगर आपके पास आगे स्पेस है तो बड़ी इजी आप बैकिंग कर सकते हो। मैं बोल रहा था पास में करना है पार्क, तो देखो बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। इसके पीछे काफ़ी बड़ा है ट्रक स्टॉप, अभी आप ड्रोन शॉट देखना, सबसे एंड में मैंने पार्क किया है। आज 14 अगस्त है, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी राइट, लेकिन आपका भाई अभी भी ओवरसीज है। एनीवेज मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये वाटरमेलन खाने लगे थे और साथ में ये ड्रोन है। सो ड्रोन का सीन ये हुआ है कि कल मैंने ना इसको कर दिया था रीसेट, पता नहीं क्यों किया। तो अब ये ड्रोन फ्लाई मैं करता हूँ, 30 मीटर से ऊपर जाता नहीं है, तो इसको करते हैं चेक क्या सीन हुआ है यहाँ पर, पता नहीं क्या आ रहा है, बाद में इसको टेस्ट करते हैं। उससे पहले ये ज़रा मैं खा लूँ फिर आपको बताता हूँ। कल मैंने इसको रीसेट किया था, उससे पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, और वैसे भी मतलब कि कनेक्ट हो जाता है ड्रोन, बिल्कुल सही चलता है, लेकिन 30 मीटर से ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ पे जब मैंने इसको रीड किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जो पर शरीफ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वैसे नज़र आ रहा है ना, तो इसके जो पर है ना ये गुड कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला जो पर है ना ये शहीद हो गया, इसकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, तो
तो इसको हम घर जाके करेंगे चेंज। वैसे भी ना इसके जो विंड है ना, तकरीबन 1-2-3 विंड है ना इसके जो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको अब घर जाके करेंगे चेंज। अभी मेरे पास फ़िलहाल इसके कोई एक्स्ट्रा पर नहीं पड़े, लेकिन मैंने ओवरऑल सारी सेटिंग कर दी है इस आरसी की। अब टेस्ट करते हैं कि ये 30 मीटर से ऊपर जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, करते हैं फिर इसको टेस्ट। टेक ऑफ। द होम पॉइंट हैज बीन अपडेटेड, प्लीज चेक इट ऑन द मैप। तीस मीटर से ऊपर जा चुके हैं, तो अब आप ड्रोन शॉट देखो। मसला ड्रोन के पैर का नहीं था, तो मैंने बेसिकली कल आरसी को किया था रीसेट, मतलब फैक्ट्री रीसेट। तो ये है कि अगर इसमें अकाउंट लॉग इन ना हो तो आपका जो ड्रोन है वो 30 मीटर की हाइट से ऊपर नहीं जाता। मुझे लगा इन्हें भी कम पे आ गया। तो एनीवेज एक्साइटेड हूँ मैं, आपको पता लग रहा होगा कि भाई को पता नहीं क्या कि भाई की कमेटी निकल आई है। तो अपनी पिकअप आ चुकी है, पहले कंपनी ने बोला पिकअप है नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सैड हो गया। लेकिन कंपनी ने अभी मुझे पिकअप भेज दिया, इलिनॉय से करना है हमें लोड पिक। तो अभी देखते हैं, अभी मैं चेक करता हूँ कंपनी कितनी दूर है, कंपनी में पार्किंग है, कल के लिए लोड है। इतने आप खुश ना हो, आज नहीं करना लोड पिक, करना कल है। तो आज 14 अगस्त है, मैंने कहा यार आज तो पिकअप होनी चाहिए। तो देखते हैं, मैं अभी चेक करता हूँ कंपनी कितनी दूर है, कंपनी ओपन कब होती है, तो फिर उस हिसाब से प्लान करते हैं। शावर कर दिया मैंने रिजर्व, तो पहले शावर करते हैं। ये रही, ट्रक चेक करो, पीटर बेल्ट, कलर चेक करो भाई साहब, है ना फिर मॉन्स्टर। ये फ्लाइंग जैकेट ट्रक लाइनों में लगे हैं, तेल ड्रॉप करने आए हैं, देख रहे हो ना। यहाँ पे नीचे ये फ्यूल अप करते हैं ना, शावर नंबर पे लग जाता। शावर सिक्स, ये रहा शावर सिक्स। शावर हो गया अपना, मुझे एक काला चश्मा चाहिए था, वो मैं लेने आया हूँ। मैंने कहा बार बार यहाँ से ले लेते हैं, रुके हुए हैं। ये रे चश्मे, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, यहाँ से देखते हैं। हमने लेना पॉइंट्स पे, मतलब ये कि फ्री कह सकते हो आप, पे नहीं ना करना पड़ेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं। ये चेक करते हैं मैन के, ओ भाई यो। ये ग्लासेस कैसी लग रही है? सो मुझे तो अच्छी लगी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है ये ग्लासेस, मतलब कि ये वाली ग्लासेस जो है ना, ये $24.99 की है, पोलराइज। तो यार ये कितना अजीब लगता है ना ये ट्रक, मतलब कि इसकी तो इतनी बात नहीं है, इसकी क्या बात है, ये देखी जो सारी बातचीत है ना वो इस ट्रक की। इस टाइम मैं सैंड लुइस के पास हूँ, ये मेरी करंट लोकेशन है। सो यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना है, डिकेटर टाउन का नाम है। तो यहाँ से तकरीबन कोई कितनी ड्राइव है चेक करते हैं, 131 माइल्स की ड्राइव है, 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो बिल्कुल शिकागो के पैरेलल, ये सामने शिकागो है और हमें जाना है इस जगह पे। निकलते हैं फिर अब यहाँ से और यहाँ जाके करते हैं स्लीप। Yeah.
ये अपनी पिकअप साइट है, मेरे अलावा यहाँ पे और कोई ट्रकर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कंपनी बंद है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता जब आप ऐसी किसी लोकेशन पे लोड के लिए जाते हैं, लोड पिकअप के लिए, डिलीवरी के लिए, तो आपको डर नहीं लगता? तो डर किस बात का, मतलब कि अल्लाह से डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए, तो अल्लाह खैर करेगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जिस भी कंपनी में जाता हूँ लोड के लिए या पिकअप के लिए, डिलीवरी के लिए, पहले मैं सारा चेक कर लेता हूँ। तो इसके पास में ट्रक स्टॉप भी था, तो इस टाइम हम इलिनॉइस में हैं, और इलिनॉइस मतलब कि उस तरह की स्टेट नहीं है जहाँ पे अगर आप किसी भी जगह पे सो तो कोई ना कोई कोई आ जाएंगे क्रिमिनल या कुछ ऐसा वैसा सीन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि ये कंपनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि टाइम लगाते हैं लोड देने में, और यहाँ से कैनेडा की 11 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सोचा कि लोकेशन पे जाके हम वेट करेंगे, मतलब कल सुबह यहाँ से मैं लोड पिक करूँगा, अपनी लॉग बुक ऑन नहीं करूँगा जब तक ये लोड नहीं देंगे, क्योंकि जब हमने वापस जाना होता है ना तो हमारे पास ऑफ ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। तो अगर हम अपनी ऑफ ड्यूटी यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद 2 घंटों के बाद हमारी जो ड्राइव है वो कम होने लग पड़ेगी। तो यहाँ से पूरे 11 घंटे की ड्राइव अपने यार्ड की, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ भी आ गया था। बाकी इस लोकेशन पे मैं अपने डोर लॉक करके सोऊंगा, मतलब सीट बेल्ट के साथ, आपको दिखाऊंगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं। ये जो पास में ट्रक स्टॉप था, अगर मैं वहाँ रुकता तो वहाँ से सुबह यहाँ पे आता, तो अगर ये 4 घंटे लगाते एग्जांपल के तौर पे, 4 घंटे लग गए हमें पिकअप के, तो उसके बाद 2 घंटों के बाद 2 घंटे हमारी ऑफ ड्यूटी के ख़त्म हो गए, उसके बाद 2 घंटे थे वो हमारी ड्राइव में से कम होने थे, राइट, क्योंकि मैं लॉग बुक तो ऑन कर दी थी। तो फिर हमारे पास रह गई थी 9 घंटे की ड्राइव, और 9 घंटे की ड्राइव में मुश्किल से हमने कैनेडा पहुंचना था, मतलब नामुमकिन हो जाना था। तो इस वजह से फिर मैं लोकेशन पे आ गया, और मोस्टली ये हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हम एक शिफ्ट में वापस कैनेडा पहुंच जाएंगे। तो लेट से अगर यहाँ से अब सुबह तकरीबन 700 माइल्स की ड्राइव है अपने यार्ड की, ठीक है, और उसके अलावा लेट से अगर 900 माइल्स ड्राइव होती, ठीक है, यार्ड की यहाँ से, तो मैंने फिर कभी लोकेशन पे नहीं रुकना था, मैंने कहीं पीछे रुक जाना था। तो फिर क्योंकि जारी बात है डेढ़ शिफ्ट में हमने वापस पहुँचना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वंस अगेन मेरी तरफ से सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज 14 अगस्त है कैनेडा में। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से ट्रकिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। पहले मैं ये डोर लॉक कर देता हूँ, फिर आगे कॉटन करूँगा। तो मोस्टली यहाँ पे कैनेडा यूएस में ना काफ़ी लोग ऐसे करके सोते हैं। अगर आप ट्रक स्टॉप पे सो रहे हो फिर तो ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करिए ट्रक स्टॉप पे। वहाँ पे तकरीबन सारे ट्रकर्स होते हैं और वैसे सिक्योरिटी सिस्टम पूरा उनका होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने ज़्यादा एहतियात करनी तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी लोग करके सोते भी हैं। इसको पहले मैं ऊपर करता हूँ। ये यहाँ से होगी लाख।